देशभक्त न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। और लगातार जो है बीजेपी की जब से टिकटॉक की घोषणा हुई है उसके बाद जो है लगातार जो है विरोध पूरे हरियाणा में चल रहा है। और सोनीपत में आज जसवीर दोदवा हैं, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। दोदवा जी स्वागत है। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री राम। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, लगातार जो है विरोध हो रहा है, सोनीपत की बात कर ले, गोहाना की बात कर ले, दोनों जगह काफी विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चले। एक एक सीट पे कई कई टिकटार्थी थे, लेकिन कमल का पुल एक है। और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल भडोली जी ने जिस भी साथी को कमल का फूल दिया, क्योंकि कमल का फूल एक है, हमारी ड्यूटी है कि कमल के फूल को खिलाना और नायब सैनी जी को दोबारा से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। हमने इसके लिए काम करना है। टिकट मिलने से पहले प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है जिस भी साथी को कमल का फूल मिले हमने उसके साथ रहना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो टिकट मिलने से पहले सब ये कहते थे कि एक ही सुर में ये कहते थे कि कमल का फूल जिस जो भी लेके आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, उसके लिए जो है प्रचार प्रचार किया जाएगा। अब क्या हो गया इस कमल के फूल को, क्या नजर लगी, कांटे लगे उसमें, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, सोनीपत में निखिल मदान जी को टिकट मिली, वो मेयर है। पवन खरखोदा को खरखोदा में मिली है, वो वहां से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, मजबूत साथी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखो निखिल को दी है, पवन को दी है, तो वो स्थानीय व्यक्ति हैं। थोड़ी घटना की जो बात आई वो गोहाना की है। भाई, गोहाना के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 40 व्यक्ति जो टिकट मांग रहे थे, देखो निराशा होती है, मैं सभी के साथ हूँ और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मेरा सभी साथियों को संजोगा रखना और मजबूती से कमल के फूल के साथ उनको जोड़ना मेरा काम है। लेकिन उनमें थोड़ी ही इस चीज से निराशा आई है, भाई निराशा आई है इस चीज से कि हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी जो बात हो रही है, तो मैं उनसे सबके टच में हूँ। मैं कल भी गोहाना गया था, सभी मंडल अध्यक्षों से मिला था, सभी जिला के जो हमारे वहाँ पदाधिकारी हैं सबसे मिला था, सबसे बात करी, हम लगातार बात कर रहे हैं और इस चीज को प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर उठा भी रहे हैं। तो उनकी जो बात है, मैं हूँ बीच की कड़ी, मेरा काम है कार्यकर्ताओं की बात को सीएम साहब से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचाना। जो उनकी पीड़ा है मैंने वो बताई है, लेकिन फिर भी मेरी एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। जो फैसला हाईकमान ने कर दिया, हम उस फैसले पर चलने वाले व्यक्ति हैं। बीच में कोई भी बात आती है उसको आगे पहुंचाना हमारा काम है। वो बात मैंने रखी है कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे को कहा है मैंने सीएम साहब को और मोहन लाल जी को बताई है। अभी भी जो है गोहाना में मंडल की मीटिंग चल रही है, वहां पे भी इस पर डिस्कस किया जा रहा है कि टिकट जो है गलत दी गई है, ये कहना कहा जा रहा है वहां पे। देखिए, ये बात मैं खुद कह ही रहा हूँ, वो बात तो होगी, उस बात को हमने आगे रख दिया है। आप पार्टी ने जब कमल का फूल दे दिया है तो हमारे साथियों की सभी की ड्यूटी बनती है भाई हम कमल के फूल का साथ दें। और जो बात हाईकमान तक पहुंचानी थी मैंने सभी कार्यकर्ताओं की पहुंचा दी है उनकी। देखो, इसमें निसंदेह मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति वहां 20 साल से 15 साल से काम कर रहा है, पार्टी के पोस्टर लगा रहा है, वो कर रहा है, सबकी इच्छा होती है भाई टिकट मिले मेरे को पार्टी का, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला कर दिया, अब हाईकमान सर्वोपरि है। तो कविता जैन भी विरोध कर रही है और 8 तारीख को एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि उसमें बड़ा फैसला जो है लिया जाएगा, क्या उनको मनाने का काम किया जाएगा? देखिए, निसंदेह वो पार्टी की बहुत ही सम्मानित नेत्री हैं, मंत्री रही है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम किया है, लेकिन मैं तो आपको ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम संगठन के व्यक्ति उनसे बात करके और वो 100% संगठन के साथ रहेंगे। सीएम साहब, मोहन लाल जी सब बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सोनीपत में मजबूत करना, कमल का फूल खिलाना सबका दे। कल एक बात थी, अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम किया, वहां पर ये बात आ रही थी कि जो जिला अध्यक्ष है प्रोटोकॉल में उनको आना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे, उस पर भी बात उठ रही है। नहीं, मैं 100% मैं जाऊंगा, मैंने जाना भी था, लेकिन मेरी संघ की मीटिंग थी, मैं गीता विद्या मंदिर में संघ की मीटिंग में था और उस मीटिंग को खत्म करने के बाद अरविंद जी उस मीटिंग में आए हैं जिसमें मैं मौजूद था। तो जो लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं मेरे सभी सम्मानित साथी हैं और मैं सभी साथियों की जो भावना है वो मैंने आगे रख दिया, मैं सभी साथियों के साथ हूँ और आगे भी हाईकमान से जो भी बात करनी है वो करने लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ,
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मोहन लाल बड़ोली जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस भी साथी को कमल का फूल दिया हमारी ड्यूटी बनती है कि कमल का फूल खिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सैनी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा और लगातार जो है विरोध जारी है, लेकिन जिला अध्यक्ष का कहना है कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गोहाना में ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है वो वैरोतक से गोहाना में उनका उम्मीदवार बनाया गया है और कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे जा रहे हैं। तो आपसे अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।